All right, so let's start with today's session. Today in the morning, I sent you some work. Have you all seen that work? What is that all about? किसने देखा है बच्चे आज मॉर्निंग में जो वर्क शेयर किया है मैंने? You can write yes or me in the chat box. Those who have seen today's work, okay? Those who have seen, they can write yes. कि आज क्या वर्क शेयर किया है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क व्हिच हैव बीन शेयर टुडे? एक्सप्लेन योर बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस आप ऑलरेडी ऑलरेडी जानते हो. द ओनली थिंग इज दैट कि आपको प्रॉपरली नहीं बताया गया इसके बारे में अभी तक, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी इसके किए हुए हैं. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस दोस थिंग्स व्हिच यू डू ऑन डेली बेसिस. इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज डन एवरी डे. जब हम सेंटेंस यूज करते हैं जिनसे हमें पता चलता है वर्क डेली बेसिस पे किया जाता है सिंपल. नाउ टेंसेस यू ऑलरेडी नो, हम ऑलरेडी इन बारे में डिस्कस करते हैं. टेंसेस आर इवेंट, राइट? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस कि एक जो एक्शन है दैट हैज बीन carried on for many days. कि बहुत रूटीन में ये चीज चलती रहती है, रेगुलरली होती रहती है. नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हाट थिंग डेली बेसिस, इस पे आप पढ़ते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, सोते हो, व्हाट थिंग्स विच यू डू ऑन डेली बेसिस आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. उनको हम सिंपल टेंस लेते हैं. ओके, सो नाउ आते हैं. The words are usually, generally, sometimes, always, every day. Usually, generally, sometimes, always, every day. ये वो वर्ड्स है जिनसे पता चलता है कि काम अक्सर किया जाता है, काफी बार, फ्रीक्वेंटली, मतलब इसको रोज के रोज किया जाता है. चलो इनफैक्ट रोज नहीं तो कभी कभी एक एक दिन छोड़ के, लेकिन किया जाता है, रूटीन में किया जाता है. सो यूजुअली मतलब जनरली, हर रोज, समटाइम्स, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा, एवरी डे, हर दिन. So all these words tell you that कि एक work routine basis पे किया जाता है. Now if you can see the sentences, इसमें आप देखो मैंने underline कुछ words circle किए हैं, dances, wakes and fly. Right? So Mary dances every day. Now you can see every day लिखा है सेंटेंस में. ओके, और साथ में हमने verb के साथ, verb है dance करना, Mary रोज dance करती है. तो मैंने dance के साथ लगा दिया s. ठीक है. Tom usually wakes up every day at about 6 o'clock. Tom हर दिन usually लिखा है. Usually मतलब तकरीबन ऐसा ही होता है उसके साथ कि वो हर दिन पे 6 बजे के करीब उठता है. Wake, actual word तो wake है पर मैंने s लगा दिया. उसी तरह से first sentence में actual word तो dance करना होता है लेकिन मैंने वहां पे भी s लगा दिया. And third word is bats generally fly at night. कि bats जो होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो नॉर्मली जनरली रात में उड़ते हैं. सो समटाइम्स वी यूज एस विद द वर्ब एंड समटाइम्स वी डोंट यूज इट. सो रीजन क्या है, क्या रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस के? सिंपल प्रेजेंट टेंस में समटाइम्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसे मैं वी वन कहती हूँ. एंड समटाइम्स वी यूज वर्ब, वर्ब के साथ और क्या यूज करते हैं हम, एस या ई एस भी लगाते हैं. So you already know the concept of S or ES, right? वो है कि जब हमारे पास singular subject होता है तो हम S ES action में लगा देते हैं. And when the subject is not singular, it is plural, या it is many, then we do not use S or ES with the subject. ये हमने already किया है second standard में, right? So let us just repeat that. Now if my subjects are I, you, we, they, एंड रामू, सरिता एंड विनिता, जब ये सारे सब्जेक्ट की एक बार में इकट्ठे बात हो रही है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ओके, आई, यू, वी, दे के साथ, प्लस जब बहुत सारे बच्चों की बात एक टाइम पे हो रही है देन वी हैव टू यूज वी वन. और जब मेरे सब्जेक्ट है ही, शी, इट,
या फिर एक सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, अभय या कमला, देन आई हैव टू यूज वर्ब अलोंग विद एस एंड ई एस. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ आई एम यूजिंग द एक्शन वर्ड गो, तो आई के साथ मैं क्या बोलूंगी? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज गो इटसेल्फ. आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, रामू, सरिता एंड विनिता गो टू द मार्केट डेली. ओके, तो जब ज्यादा लोगों की भी बात हो तो भी हम गो यूज करते हैं. बट वेन इट इज ही शी इट या एक सिंगल पर्सन का नेम, देन वी यूज गोज. द आंसर बिकम्स ही गोज, शी गोज, इट गोज, अभय गोज, कमला गोज, लाइक दिस. So this is all about simple present tense. Simple present tense is used when we have to tell about something जो कि daily basis पे किया जाता है, और subjects अगर I, you, we, they या many people हैं, then we use first form of the verb. And when the subject is he, she, it or singular person, then we use s or es with the verb. So that's all about simple present tense. Now coming to the present continuous tense. Present continuous tense is used for an action that is still going on. एक ऐसा tense है ये जो कि use होता है उस action के लिए जो कि अभी भी चलता चल रहा है. तो इसके साथ हम is, am, are plus verb के साथ ing form use करते हैं. Now have a look at these sentences. Mary is sweeping the floor. Present continuous में हमने क्या करना है? Is, am, are use करना है. और फिर जो हमारा एक्शन वर्ड है जो कि है स्वीप, इस सेंटेंस में है स्वीप, उसके साथ आई एन जी लगा देना है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस वो काम जो अभी हो रहा है, विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो अभी चल रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपको पता है ये चीज हो रही है. वी आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग. अभी आपके रूम का फैन देखो, द फैन इज रनिंग, राइट. हो सकता है आपके मम्मा आपके पास बैठे हैं अभी, मदर इज सिटिंग विद द डॉटर. ओके, सो जो चीजें आपके सामने अभी हो रही हैं उनके लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो मैरी इज स्वीपिंग द फ्लोर, इट मींस कि मैरी अभी फ्लोर को स्वीप कर रही है, क्लीन कर रही है. सिमिलरली द बर्ड्स आर बिल्डिंग देयर नेस्ट ऑन द ट्री. बर्ड्स अपना नेस्ट बिल्ड कर रहे हैं. बिल्डिंग मींस बनाना, सो बिल्ड के साथ आई एन जी यूज कर दिया. Now along with ing you have to take care कि आपने is, am, are कैसे use करना है. तो वो भी हमने rules किए हुए हैं पहले, second stand आप कर चुके हो. I के साथ हम क्या use करते हैं? Am, I am playing. With he, she and it we use is. He is playing, she is playing, it is playing. You are playing, we are playing, they are playing. Okay? So in present continuous tense we use is, am, are depending upon the subject. Subject मतलब I, he, she, it, you, we, they. इनको subjects कहते हैं. According to them we have to use is, am, are और अपने verb के साथ, action word के साथ जो कि है play, right? Play use है कर रहे हैं अभी हम. So with the play we use with our action word we use ing to make it to convert it into present continuous tense. Right? So a comparison once more. Simple present tense is used for an action that is done on regularly, that is done regularly or every day. And present continuous tense is used for an action that is still going on or continuing. Present continuous tense tab use karte hain jab ek action abhi chal raha hai. Okay? Simple present tense ke rule kya hai? Hum verb ki first form use karte hain ya phir verb ke saath s aur es add karte hain subjects ke according. And present continuous is very simple. You just need to add is, am, are and the ing form of the verb. All right? Now I have some exercises for you. So you have to solve these exercises. Be ready with your chat box. All of you. All right. So choose the correct form of the verb. Now in the brackets you have been given some verbs. Unki correct forms aapko choose karke bracket mein likhni hai, right? So you have to give me the answers. First sentence is Rahul dash to the temple daily. Now Rahul is singular और singular के साथ हम s e s use करते हैं. Very good. So I've got
I've got the answers. You people are giving correct answer. The correct answer is goes. Rahul goes to the temple daily. Very good. Okay, next one. Anil dash melodious songs. Anil dash melodious songs. So again, Anil is singular, and with singular we use S or ES. Very good. So Anil sings melodious songs. Number three, they dash Taj Mahal every year. Wo har saal Taj Mahal jaate hain. So now they means zyada log. So jab cheeze zyada hoti hai, nouns zyada hote hain, then with the action word we do not use SES. Okay. So yes, the correct answer is visit. They visit Taj Mahal every year. Great. Number four. We dash rice every Saturday. Hum har Saturday ko rice hi banate hain. Cook or cooks? We bhi plural hai. So just a small hint, jab cheez singular ho, तो आपने उसके साथ SES लगा देना है एक्शन वर्ड के साथ. जब ऑलरेडी प्लूरल नाउन्स हो, वी दे ज्यादा लोग हो, तो उनको फिर SES की जरूरत नहीं है उनके वर्ब के साथ. ओके, सो वी कुक राइस एवरी डे. वी कुक राइस एवरी डे. यस. नेक्स्ट वन. माय कैट इज वेरी स्वीट. माय कैट इज वेरी स्वीट. It dash the bell when it wants to go for a walk. Meri cat bahut sweet hai. Jab isko walk pe jana hota hai, to ye bell ring karti hai. So you know hum it kab use karte hain. We use it with animals whose gender we don't know. Jinka hamein gender pata nahi hota. Ya phir cheezon ke saath bhi hum it use karte hain. So here I've used it for the cat. Now it means singular. So the correct answer is rings. Kyunki it bhi singular ko denote karta hai. That is why the correct answer will be rings. All right. Next. Number six. He dash for 5 kilometers every day. Wo har roz 5 kilometers running karta hai. So, run or runs. He dash for 5 kilometers every day. He runs for 5 kilometers every day. Very good. Ajay, Geeta and Anand dash on weekends generally. Ajay, Geeta and Anand. Ab ye tino ikatthe ho gaye. Ab inki hum ikatthon ki baat kar rahe hain. Ajay, Geeta and Anand ek saath inki baat kar rahe hain. So we have many people now. We don't have only one single person. We have many people. So Ajay, Geeta and Anand generally wo weekend pe milte hain. ज्यादा लोग हैं अब. अजय, गीता एंड आनंद. सो द आंसर विल बी मीट. राइट, सो द आंसर विल बी मीट. अजय, गीता एंड आनंद मीट ऑन वीकेंड जनरली. जब ज्यादा लोग हैं तो हम SES ऐड नहीं करेंगे अपने वर्क के साथ. नेक्स्ट इज आई डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग. मैं हर इवनिंग को बैडमिंटन खेलती हूँ. Now tell me the answer. I dash badminton every evening. Now, is it play or plays? Okay, beta, ab ye thoda sa cheez ka dhyan rakhna hai. Chahe I akela hota hai. I means main akela. लेकिन आई के साथ भी हम SES यूज नहीं करते. आपने ये याद रखना है कि आई एम स्ट्रांग. मैं एकदम बहादुर और स्ट्रांग हूँ, तो मुझे भी SES की जरूरत नहीं है अपने एक्शन वर्ड के साथ. ओके, सो आई डू नॉट रिक्वायर्स एनी एस और ईएस. सो आई के साथ हम ऑलवेज यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एस और ईएस. आई प्ले बैडमिंटन एवरी इवनिंग. सो प्ले इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन अनदर एक्सरसाइज. Write few lines about your daily routine. अब आपको अपने daily routine के बारे में कुछ lines लिखनी है. अब जैसे मैं आपको hint दे रही हूँ. I wake up at, I take care of my personal hygiene and then put on nice clothes. I do breakfast, then online sessions, homework, play, etc. So you have to
राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन. अब ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज डेली रूटीन इज समथिंग विच यू हैव और विच यू डू ऑन डेली बेसिस. रूटीन वो होती है जो आप रोज एक रूटीन फॉलो करते हो. सो दैट यू हैव टू राइट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, डोंट राइट द टाइमिंग्स लाइक दिस. यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस. अब आपने अपनी तरफ से, मैंने आपको हिंट्स दे दिए, यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस ऑन योर ओन अबाउट योर डेली रूटीन. यू कैन राइट टू और थ्री सेंटेंसेस. ठीक है, अपनी मर्जी से एक दो तीन जितने सेंटेंसेस आप लिखना चाहते हो अबाउट योर डेली रूटीन यू कैन राइट. ऑल राइट, डेली रूटीन के सेंटेंसेस जब हम ऐसी बात बताते हैं जो कि हम रोज करते हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स दैट वी हैव टू यूज द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे मेनी पीपल है तो, एंड एस और यस विद द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट्स आर ही शी इट और समबडीज नेम और अ सिंगल पर्सन. डोंट राइट द टाइमिंग्स नाउ बट जस्ट स्टॉप राइट द टाइमिंग. Write the sentences now. अभी कोई टाइम नहीं लिखेगा. You have to write some sentences. Everybody will write one sentence each about the daily routine. ये मैंने लिख दिया. I wake up at 6 a.m. Wake up at 5 a.m. or 7 a.m. You need to write something else now. Okay, so Lavanya has written, I wake up at 8 a.m. daily. Then I get fresh and take bath. Then I have my breakfast and attend online classes. Very good, Lavanya. So you have to write like this. Great. Okay. I wake up on, nahi beta, at. I wake up at 4:48. There is no Google form today, beta. Answer from Meena Grover. I wake up at 8 a.m. daily. Then I get fresh and take bath. Then I have my breakfast and attend online sessions. Aapne beta wahi same line likh di, Lavanya ki. Any other answer? Aur kuch nahi karte aap log? Okay. Mridul says, I study at 5 p.m. Very good, Mridul. So, रोज शाम 5 बजे को पढ़ता है. सौरिश says, I take lunch at 1 p.m. Very good, Saurish. Anjana Thakur's reply, I wake up at 8 a.m. I do my breakfast. But I do my breakfast, I have my breakfast. I have my breakfast, take a bath and attend the online session. I wake up at 4:48 and then go to the temple. I play at 6 a.m. So you need to write a.m. or p.m. with the time. ऐसे कैसे पता चलेगा सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे? मेहरदीप कौर, I wake up at 6 a.m. I finish my breakfast at 8 a.m. I attend my classes at 9:30 a.m. Very good, Meher. Ekjot says, I wake up early in the morning at 8:30 होगा बेटा, at 8:30. Okay, I go for a walk at 7 p.m. Very good. I do cycling at 7:30 a.m. with my friends. Very good. I wake up at 7 a.m. I study at 4 p.m. Very nice. After online session, I play with my brother. Very good. So, now you come to know ki aapki jo daily routine ki habits hoti hain, unko hum simple present tense mein likhte hain. Okay, I take my dinner at 9 p.m. Right. So, in the simple present tense, what are the rules? Rules yahi hai that with I, we, you, they and many people, we need to use verbs first form or SES depending on the subject. And if, agar, abhi aap dekho apne baare mein baat kare the, to aapne jitne bhi action verbs use kiye, I eat, I wake up, brush my teeth, kahin aapne SES use nahi kiya. Okay, so aise hi karna hai. I ke saath kabhi bhi SES use nahi karna. Alright? Now coming to the next activity, write a few lines about your current actions or things happening around you. Abhi maine dekho examples de di aapko. Question is write a few lines about your current actions. Abhi aap kya kar rahe ho? Now please stop the previous question. Stop writing the answers for the previous questions. Come to this one. Write a few lines about your current actions or things happening around you. Abhi jaise aap kya kar rahe ho? I am studying, I am attending the English class. Miss Anna is teaching us. Mother is cooking breakfast for all the family members. My younger brother is playing with his toys. My younger sister is sleeping in her room. My father is getting ready for his job. I am listening to the teacher. So, ye sari cheeze. Dekho, isme maine kya kya use kiya. I ke saath am. Mother ke saath is, younger brother ke saath bhi is, all right?
और मैंने एक्शन वर्ड्स के साथ आईएनजी यूज किया. नाउ सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू राइट सम सेंटेंसेस जिनमें आप अभी क्या कर रहे हो या आपके सामने अभी क्या हो रहा है. यू विल राइट अबाउट दोज थिंग्स. ओके, सो आई हैव गॉट एन आंसर फ्रॉम कुलविंदर कौर. आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास. राइट, अभी आप ये कर रहे हो. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप रोज का काम बताते हो कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करती हूँ. बट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू टेल ओनली अबाउट द करंट वर्क. अभी आप क्या कर रहे हो. ऑलराइट, माय मदर इज हेल्पिंग मी, वेरी गुड. माय सिस्टर एंड आई आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, वेरी नाइस. आई एम अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लास, गुड. माय लिटिल सिस्टर has woke up and is crying. Okay, so is crying I'll take. My grandmother is taking rest, very good. My mother is sitting with me, okay. Very good all of you. Please keep on writing more sentences. अभी आपके रूम में क्या क्या हो रहा है. ऊपर देखो जरा, फैन चल रहा है. क्या लिखोगे उसके लिए कि फैन चल रहा है. What shall you write for that? My mother is making breakfast. नहीं बेटे, cooking breakfast. My mother is cooking breakfast. I'm attending my online class. My grandfather is eating breakfast. Okay. I am playing at 5 PM is wrong. Beta, 5 PM pe aap khelloge. Wo bhi current ka action thodi na hai. The fan is running. Very good. The fan is running. Okay. My younger brother is playing with his toys. My sister is joining her meeting. Okay. My father is going to office. Right. The carpenter is repairing my room. My mother is cooking the food for all family members. I'm learning tenses. Very good, good, Aman. My sister and I are attending online classes. Nice. My mother is working in the kitchen. Good. I'm attending my online class. Very good. Father is eating breakfast. The fan is running. Nice. My father is driving. My mother is helping me. My grandmother is watching TV. Very good. So you can write many sentences like this. तो जो भी अभी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी आप देख पा रहे हो, यू कैन राइट ऑल दोस थिंग्स. माय सिस्टर इज गोइंग टू अटेंड ऑनलाइन क्लास. आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन सेशन. वेरी गुड, दैट्स नाइस. राइट, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड टुडे सेशन. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. एंड टुडे वी लर्नड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Right? So now I know you must not have watched the video which I shared today by now. But after the session, please watch it. You will get to have more understanding about these tenses. And I have solved a couple of sentences from your exercises as well. You need to solve the complete exercise. Exercise 1 is to be solved in your book and exercise 2 has to be solved in your notebook. All right? Right. My little brother is watching television. Very good. So I think aapko clear ho gaya hai aaj ka session. That's all from my side. Over to Rupinder ma'am now. Yes, good morning, Sani ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. Okay, bete. So, let's start today's session. And as I always say के before class एक बार जरूर check कराया करो कि मैम ने थोड़े लिए की work send किया है, so that थोड़ा पता होए कि मैम ने की करवाना है. जरूरी नहीं है सबने check किया होए, but एक बार थोड़ा check जरूर कर लेना चाहिए था, ठीक है? So that थोड़ा idea हो जाए कि मैम आज की करवाएंगे, right? Okay. So आज Can someone tell me sir Punjabi da work hai kisi? Can someone write in the chat box aaj Punjabi da ki work si? No one? Okay. Big me long, ma'am, long question answers. Long yes, okay. Long question answers si aaj chapter 7 jo ki ek poem hai. ठीक है, ओके. तो पोएम का नाम है रुखा नु सब करो प्यार. अच्छा, किने किने लर्न की पोएम? सी यस और नो? मैम
अरे से यस और नो इफ यू हैव लर्न. ओके नो व्हाई नेक्स्ट नो अगेन नो. ओके सो मैक्सिमम इज नो ओनली एक दो यसेस दैट इज नॉट गुड. बेटे मैम ने थोनों पिछली बारी भी यही कहा सीगा कि तुसी पोएम नो लर्न करना है ना. तो जदों तक तुसी पोएम नो लर्न नहीं करोगे थोनों नहीं पता चलेगा. और अगर तुसी देखो पूरा चैप्टर लर्न करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट अगर तुसी पोएम लर्न करोगे ना तो थोड़े लिए हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू हैव लर्न ऑलरेडी. ओके मतलब हाफ तो ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी लर्न कर चुके होंगे हो जो तुसी पोएम नो लर्न कर लेते हो. ओके ओके सो कविता है रुखा नू सब करो प्यार. बेटे मैं दोबारा कविता एक्सप्लेन नहीं कर रही बट असी कविता दे विच की पढ़िया सी वो एक बारी क्विक रिव्यू दे रही हूँ फटाफट एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी. सो कविता दे विच असी पढ़िया कि सानू रुखा नू प्यार करना चाहिए है. क्यों करना चाहिए है क्योंकि सब तो पहली गल रुख ठीक है. सो अगर तुसी किते जाओ किते घूमन फिरन जाते हो या किते भी जाओ और तुसी आले दुआले देखो और थानू कोई एक भी पेड़ नजर ना आए ठीक है तो वो ब्यूटी नहीं लगती देखने में मजा नहीं आता. पहाड़ा ते जाने हैं कितना मजा आता ना क्योंकि उत्ते ग्रीनरी होंगी है ना. तो रुख जड़े है वो साड़ी आले दुआले नू होर ज्यादा सुंदर बनाते हैं ठीक है. और रुख प्रदूषण दूर करन दे विच हेल्प करते हैं राइट. ओके और जिदा दी मर्जी सिचुएशन होवे तुसी कोई पेड़ लगाओ उदा ध्यान रखो नहीं रखो है ना. तो उदे नाल भी रुखां नू कोई फर्क नहीं पैंदा है उदे नाल भी रुखां नू कोई फर्क नहीं पैंदा ठीक है. सो वो हर सिचुएशन दे विच और दिंदे है सिर्फ साडे कोलो बदले दे विच कुछ भी मंगते नहीं. इज इट क्लियर. जस्ट सेंड अ यस एंड नो यस और नो इन द चैट बॉक्स. पोएम नो लेके तो किसी नो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए था. पोएम बहुत सिंपल सी बहुत क्लियर सी ठीक है. वेरी गुड बेटे अगर सारा कुछ क्लियर है देन व्हाई हैवंट यू लर्नड इट सो फार. ठीक है मैम नेक्स्ट क्लास दे विच पूछेंगे सारे नू लर्न होनी चाहिए है ठीक है. शीनम बंसल जी दी आईडी तो बेटे नो भेज रहे हो थोनो समझ नहीं आई है पोएम. नो 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 पूर्णिमा मामा माय स्क्रीन इज विजिबल. यस मैम. ओके लेट्स स्टार्ट बेटे विद द इट इज विजिबल नाउ. इट इज विजिबल नाउ बेटे. नो वंशिका त्यागी दी आईडी तो बेटे प्लीज. ओके सो लेट मी सी कि तुसी कोई नोबडी विल ओपन देयर बुक और नोटबुक ठीक है. Nobody will open their book or notebook with them. Let me just turn my camera on from here as well. Okay. बेटे कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं आई मीन बुक ऑन नहीं करेगा.
give it 1 minute. बेटे आंसर्स सेंड करना, और प्लीज डू नॉट ओपन योर बुक्स विद यू, ठीक है? बुक्स ओपन नहीं करनी है, अपने आप आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है? तुसी मैम नु सुनिया है, तुसी वीडियो सुनी है, मैम ने एक्सप्लेन किते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन दे विच भी आप शब्द चंगी तरह पढ़े हैं। बेटे सिर्फ आंसर सेंड करना है, और कुछ भी नहीं सेंड करना। एंड आई हैवन स्टार्टेड गेटिंग मच आंसर्स येट। ओके, वेरी गुड। अच्छा जो तो तुसी आंसर सेंड कर दे, तुसी ये देखते हैं कि एक दूसरे के आंसर देख देख के बेटे समवन्स माइक ऑन, प्लीज टर्न इट ऑफ। ओके, वेरी गुड। वैसे एवरीबॉडी इज सेंडिंग राइट आंसर्स, बट आई होप कि तुसी आप बेटे तुसी जो तो आंसर सेंड करना है ना, तुसी ये नहीं देखना कि कोई ए लिख रहा, बी लिख रहा या सी लिख रहा, तुसी सिर्फ वर्ड नु पढ़ना है जिहड़ा मैम ने पूछा होया, ठीक है? जिवें इत्थे मैम ने पूछा है कि शब्द का सही अर्थ दसो, किहड़े शब्द का दसना है? बरकत का, ठीक है? बरकत शब्द का तुसी अर्थ दसना है, और बरकत शब्द का अर्थ हुंदा है नियामत। बरकत का हुंदा है वादा होना किसी चीज दे विच, नियामत होना, ब्लैसिंग होना, ठीक है? नियामत, ब्लेसिंग, ठीक है? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? वंशिका त्यागी दी आईडी तो बच्चे प्लीज डोंट टर्न योर माइक ऑन अगेन एंड अगेन। ओके, इतना बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए। प्रदूषण, प्रदूषण की हुंदा? अच्छा एक चीज मैं होर कही सी कि जदों असी ए एक्टिविटी करदे हां कि तुसी अपनी स्क्रीन ते कोई वर्ड देख रहे हो, उन्हों तुसी पढ़ रहे हो, पढ़ के उदा आंसर दिंदे हो, नाल दी नाल तुसी ए भी देखा करो, ठीक है? जदों हुण प्रदूषण लिखा होया है, तुसी ये देखना है कि पप्पे दे पैर च रारा आ रहा, रारा पूरा नहीं आना है, ठीक है? दूसरी चीज जिहड़ी तुसी नोट करनी है कि नाणा है पिछे, नन्ना नहीं आना, ठीक है? आंसर इज वेरी गुड, एवरीबडी इज सेंडिंग राइट आंसर, वेल डन। सी जब सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और सारे बच्चे सही आंसर सेंड करते हैं, देन द टीचर फील्स वेरी हैप्पी, है ना? टीचर नु भी खुशी होती है ना कि सबने अटेंटिवली सुना है, सारे अटेंटिवली आंसर दे रहे हैं। बट बेटे ये गल मैम थोनू हर बार 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 दस दे है कि तुसी सिर्फ ते सिर्फ ये नहीं देखना कि असी इस टाइम फटाफट आंसर सेंड कर दिए सही आंसर, तुसी ये भी देखना है कि असी जो चीज लर्न कर रहे हैं उन्हें बार बार भूलना नहीं है, ठीक है? हो सकता है इस बार भी एग्जाम थोड़े ऑनलाइन ही होन, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट येट, बट तुसी ये नेक्स्ट ईयर की प्रेपरेशन करनी है, तुसी ये सोचना है कि असी नेक्स्ट ईयर फोर्थ विच जाना है, ठीक है? सो सम स्टूडेंट्स आर सेंडिंग ऑप्शन ए एज वेल, बेटे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गंदलापन। गंदलापन की हुंदा है, तुसी कई बारी देखे ना जदों तुसी किते ट्रैवल करदे हुंदे हो तो थानू लगदा स्काई इज नॉट क्लियर, है ना? फॉगी फॉगी, डस्ट डस्ट जी थानू फील हुंदी है, वो प्रदूषण है, उन्हों गंदलापन कहते हैं जदों द एटमोसफियर इज नॉट क्लियर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। बेटे पंजाबी कुछ बच्चे यस लिखने की कोशिश कर रहे हो और यस दे स्पेलिंग गलत भेज रहे हैं, तुसी पंजाबी च तां आपां यस कहंदे ही नहीं, पंजाबी च तां आपां हां जी कहंदे हां, फिर अगर तुसी यस लिखना चाहते हो तो फिर पंजाबी दे विच हां जी लिख के भेजो। ओके, यस दे स्पेलिंग पंजाबी च गलत लिख के भेज रहे हो, सो यस ना लिख के तुसी पंजाबी च हां जी लिख के भेज सकते, ठीक है? ओके, हां जी दे विच नन्ना नहीं हुंदा बच्चे। ओके, जांच दा मतलब हुंदा है तरीका, ठीक है? जांच किसी चीज नू किसी काम नू करन दा तरीका, द वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके,
वेरी गुड। हले भी सारे बच्चे बेटे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मेक श्योर कि तुसी सारे जने आंसर जरूर सेंड करो। ओके द नेक्स्ट वन। सो लंबी स्टेटमेंट है, लेट मी सी के पढ़ के आंसर्स कर रहे हो या नहीं। मैम रीड करेंगे स्टेटमेंट बट आफ्टर सम टाइम, पहले तुसी अपने आप रीड करो और आंसर सेंड करो। अच्छा बच्चे किन्ने स्मार्ट हो चुके हैं ना, बच्चे नू अपने ही आंसर नू कॉपी और पेस्ट करना आ गया ना, क्योंकि आई कैन सी कि कुछ बच्चे जेडे अननेसेसरीली कुछ चीजें लिख रहे हैं वो अपने ही लिखी हुई चीज नू कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, है ना। यस एवरीबडी इज सेंडिंग राइट आंसर। हुन सुनो लिखिया की है, स्टेटमेंट है कि कविता विच किस नाल प्यार करन लई कहा गया है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज बी रुखा नाल। वातावरण की हुंदा साडा आला दुआला, सानू अपने आले दुआले नाल भी प्यार करना चाहिदा है, बट इस कविता दे विच सानू रुखा नाल प्यार करन लई कहा गया है। Very well done. So B is the, yes, B is the correct option. Next one is on your screen, bete. Randhir Kumar. Randhir Kumar ji ki ID to. रणधीर कुमार दी आईडी तो बेटे आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट यू सेड व्हाट यू द लॉन्ग मैसेज जो तुम सेंड किया है हुने, और पंजाबी च इतनी आसानी नाल नहीं लिखा जाता जिन्ना तुसी लिख के भेजा है। इहदा मतलब थोड़ा ध्यान मैम नू आंसर सेंड करन च नहीं है, तुसी सिर्फ टाइप कर रहे हो, है ना। चाइल्ड विद द आइडिया ऑफ रणधीर कुमार। वेरी गुड। ओके सो रुख सानू किस चीज की जांच सिखाते हैं, ठीक है। अजिही केड़ी चीज है जिहड़ी रुख सानू सिखाते हैं बेटे। असि बहुत सारे चीजा रुखा को सीख सकते हैं, पर इस चैप्टर दे विच जिहड़ी चीज की गल की गई है वह है खुश रहन। रुख सानू खुश रहन की जांच सिखाते हैं। सो मैम ने जो एक्सप्लेन किया उदो भी दसिया कि तुसी अपने आले दुआले देखो किन्ने सारे रुख है, तो अगर थोड़ी देर प्या जाए तो थोड़ी देर धुप च खड़े होना, थोड़ी देर बारिश खड़े होना, तुसी खड़े हो सकते हो, नो ठीक है। पर रुख देखो सानू छां दिंदे है, ऑक्सीजन दिंदे है, फल फुल लकड़ी किन्ना कुछ सानू दिंदे है, बट फिर भी वो धुप छां हनेरी मींह दे विच हर मौसम दे विच खड़े रहिंदे है और साडे नाल कोई भी कदी कंप्लेन नहीं करते। सो रुख सानू ये सिखाते हैं कि सानू हर सिचुएशन दे विच खुश रहना चाहिए है, ठीक है। हर सिचुएशन दे विच खुश रहना चाहिए है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी स्क्रीन पे हुण। जसवीर कौर जी की आईडी तो बेटे प्लीज डोंट सेंड द गूगल फॉर्म और एनी लिंक, बेटे इग्नोर द लिंक, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट पे अटेंशन टू द स्क्रीन। ओके सो तुसी देखिया कि लोगों ने छतां दे उपर भी किचन गार्डन बनाए हुए। किचन गार्डन पता है क्यों है, एक छोटा जा गार्डन
जिसमें छोटी छोटी चीजा टमेटोज चिलीज कोरिएंडर है ना, ये सारी चीजा उसे वो ग्रो करते हैं राइट। मैम मेरे घर के बाहर है। तो रुख कितने लगाने चाहिए हैं? वेरी गुड। रुख छत ते भी, रुखा नु असी छत ते नहीं लगा सकते, ठीक है, रुखा नु असी हर किसी थान ते भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले चैप्टर पिछली जो मैम ने क्लास दे विच थानू एक्सप्लेन किया सी रुख ते पौधे का डिफरेंस दसिया सी, जेहड़े रुख होंदे आ वह हाइट दे विच बहुत ज्यादा जाते हैं उपर, और जो रुख बहुत ज्यादा उपर जाते हैं वह नाल दी नाल नीचे उन्होंने रूट्स भी जांदियां है ना, रुखा दियां जड़ां भी जांदियां बहुत ज्यादा दूर तक फैलदियां, ठीक है, इस करके छाते तो असीं उन्हें बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उनकी रूट सारियां जड़ियां है वह कंधा दे दीवारा दे विच चलियां जाणगियां तो ऑब्वियसली घर खराब हो जाएगा। छोटे प्लांट्स असीं जरूर किचन गार्डन ही बना सकते हैं असीं अपनी छत के उत्ते, ठीक है। सो रुख सानू एदा दी जगह ते लगाने चाहिए हैं जिथे जगह खाली हो, ठीक है, खाली स्थान हो, ताकि रुख दियां रूट्स नू जड़ियां उहदियां जड़ां नू स्प्रेड होण दी पूरी स्पेस जड़ी है वह मिले, राइट। सो रुख कित्थे लगाने चाहिए हैं? खाली थावां ते। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। गोइंग टू स्टॉप प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। प्लीज स्टॉप सेंडिंग इमोजी। सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो चैप्टर दी बैक एक्सरसाइज दी जड़ी आंसर की सी ओ मैं थोड़े नाल इसलिए नहीं शेयर की, क्योंकि जदों लास्ट क्लास दे विच मैम ने थोड़े नाल पूरा वो डिस्कस कर ली सी उदी बैक एक्सरसाइज इन इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी फॉर्म दे विच असी पूरी जड़ी वो सी बैक एक्सरसाइज सी वो डिस्कस कर चुके हैं। बट इफ यू वॉन्ट आई शेयर अगेन, ठीक है, मैं वैसे जरूरत लग नहीं रही होती क्योंकि अच्छा फिर अगर तुसी लोगों ने पोएम लर्न नहीं की थी, थोड़े पेज नंबर 39 के उत्ते बुक के उपर है पेज नंबर 3939 बेटे, टर्न योर कैमराज ऑन प्लीज सो दैट आई कैन सी यू। एवरीबडी टर्न योर कैमराज ऑन प्लीज। बेटे टर्न योर कैमराज ऑन प्लीज। ओके सो पेज नंबर 39 के उपर नीचे थानू कविता दियां लाइना पूरियां करन लई कहा गया सी, राइट। सो अगर तुसी पोएम लर्न नहीं कीती, मैं थानू कहा सी कि तुसी देख के लिख सकदे आ, पर अपने वालों ट्राई जरूर करना है तुसी, है ना। लेट मी नेम द चाइल्ड एंड द चाइल्ड विल रीड द लाइन्स। फटाफट ग्रैब योर बुक बेटे। और बच्चे तुसी ना काम चाहे चेक किया या नहीं चेक किया, एक बार सब्जेक्ट थानू जरूर पता होना चाहिए कि केड़े सब्जेक्ट का वर्क थानू आज आया होया, और उदिया बुक्स नोटबुक्स अपने कोल जरूर रखिया करो। ठीक है, लेट मी कुलविंदर कौर जी की आईडी तो